हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 की गणित अध्याय 1 पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझेंगे। ओके, आइए देखते हैं। हाँ, इसके पहले हम देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। कुछ संख्याएं और होती हैं, हम उसको समझेंगे। चलिए, पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, एक से अनंत तक की संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, डैश 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 अनंत। ओके, अगर इसी से आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक। अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? एक। यदि फिर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो उत्तर क्या आएगा? नहीं मिलेगी, क्योंकि संख्या प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं होता है। ओके, अब आइए दूसरे नंबर पर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है या किसे कहते हैं? जीरो से लेकर, जीरो से अनंत तक की संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डैश 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 अनंत। ओके, अब आइए जैसे सबसे पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी है, अब इसमें देखिए इस समूह में सबसे छोटी संख्या कौन है? शून्य है। कौन सी है? शून्य है। तो यही हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुई। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या है, पूर्ण संख्या है कौन सी है, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भी अनंत होती हैं। ओके, चलिए तीसरे नंबर पर सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे दो, चार, छः, आठ, 10, 12, डैश डैश अनंत, इस तरह के हैं। अब देखिए जैसे दो है, अब हमने लिखा है कि जो संख्या दो से कट जाए। अब देखो दो दो से कट जाती है या दो से विभाजित हो जा रही है। चार देखो, दो दुनी चार, हैं, जितनी संख्या है सब दो के पहाड़े मार रही है, अर्थात दो से विभाजित हो जा रही है। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या हैं। ओके, आइए चौथे नंबर पर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित न हो, अर्थात ऐसा भी कहते जो संख्या दो से न कटे उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे एक, तीन, पाँच, सात, 9, 11, 13, डैश 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 अनंत। ओके, अब देखिए हमने लिखे परिभाषा में बता रहा हूँ कि दो से, अब देखिए एक है दो के पहाड़े में आएगा, दो से कटेगा नहीं कटेगा, तीन दो से कटेगा नहीं कटेगा, पाँच कटेगा, 9 कटेगा, 11, अर्थात इसमें से कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो दो से विभाजित हो जाए, हैं? इसलिए ये सभी संख्याएं क्या? विषम संख्याएं हैं। आइए अब चलते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिस संख्या के मात्र दो ही अलग 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 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे देखिए अभाज्य संख्या, जैसे देखिए दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13,
डैड डैश इस तरह की संख्याएं। ओके, अब देखिए हमने कहा कि जिस संख्या के मात्र दो ही अलग अलग गुणनखंड हों, जैसे देखो दो है, अब दो किससे कटेंगे, किससे मतलब दो खंड करेंगे, एक एक होगा इसका गुणनखंड और दूसरा क्या होगा दो होगा, है तीन करते हैं तो एक होगा एक है और दूसरा क्या होगा तीन होगा। ओके, पांच करते हैं तो भी वही एक है, यहाँ पर देखो एक होगा और यहाँ क्या होगा तीन पाँच होगा, जिसके मात्र मैंने परिभाषा में लिखा है जिसके दो मात्र अलग अलग ही गुणनखंड हो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, अब आइए भाज्य संख्याएं। भाज संख्याएं किसे कहते हैं, जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे चार छः आठ दस बारह पंद्रह डैड डैश इस तरह से। देखिए अब अपने बोला चार, अब देखो चार के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, चार का पहला गुणनखंड करेंगे कि मतलब चार जो है एक से विभाजित हो जाएगा, फिर किससे होगा दो से हो जाएगा, फिर किससे होगा चार से हो जाएगा, तो इसके कितने गुणनखंड हुए एक दो तीन। तो मैंने यहाँ परिभाषा में बता रहा हूँ कि दो से अधिक गुणनखंड हो, हैं देखिए तीन गुणनखंड हुए, अब ले लीजिए छः ले लीजिए, देखिए इसके पहले कितने होंगे एक होगा, दूसरा कितना होगा दो होगा और तीसरा कितना होगा तीन होगा और चौथा कितना होगा छः होगा। इसके देखो एक दो तीन चार, चार गुणनखंड हो गए दो से अधिक, इस प्रकार की संख्याएं जितनी होगी सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब आइए सातवें नंबर देखते हैं पूर्ण संख्याएं। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, है जैसे देखिए यहाँ शुरू करते हैं, जैसे डैश माइनस पाँच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक, उसके बाद शून्य फिर एक दो तीन चार पाँच डैड डैश इस प्रकार संख्या। देखो ये क्या है, ये धनात्मक संख्या है, ये क्या है ऋणात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है। ओके, और ऋणात्मक संख्या क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक कहते हैं। और शून्य को न तो धन पूर्णांक कहेंगे और न तो ऋण पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि शून्य जो है न धन धनात्मक संख्या होती है न ऋणात्मक संख्या है, इसको क्या कहेंगे केवल पूर्णांक कहेंगे, क्या कहेंगे केवल पूर्णांक कहेंगे, बराबर। इतना अब इस वीडियो हमने जितना समझाया आप सब व्यवस्थित समझ के चुके होंगे, इसके आगे का हम दूसरे वीडियो में, इसके आगे की संख्या के बारे में दूसरे वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।